हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं कुछ यूनिक रेसिपी लेके आई हूँ, बाउंटी चॉकलेट केक। जी हाँ, बाउंटी चॉकलेट्स तो आपने खाई होगी, लेकिन बाउंटी चॉकलेट केक नहीं खाया होगा। तो चलिए आज बनाते हैं एगलेस बाउंटी चॉकलेट केक। बाउंटी चॉकलेट केक बनाने के लिए सबसे पहले हम उसकी फिलिंग रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैं यहाँ ले रही हूँ 2 टेबलस्पून कैस्टर शुगर एंड मिल्क 2 टेबलस्पून। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मिल्क पाउडर 1/4 कप एंड तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ डेसिकेटेड कोकोनट 1/4 कप एंड इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। केक की फिलिंग हमारी रेडी है। अब हम इसे फर्म होने के लिए फ्रिज में रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तब तक हम केक की तैयारी कर लेते हैं। चॉकलेट केक बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक बाउल में लूंगी शुगर 1/4 कप। उसमें मैं ऐड कर रही हूँ लूक वार्म मिल्क 3 टेबलस्पून एंड दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि शुगर डिसॉल्व हो जाए। शुगर हमारी डिसॉल्व हो गई है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कर्ड 1.5 टेबलस्पून। इसी के साथ मैं इसमें ऐड करूंगी बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून एंड सॉल्ट 1 पिंच एंड सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इस मिक्सचर को हम 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। दो मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऑयल 1.5 टेबलस्पून एंड इसे भी मिक्स कर देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा मिक्सचर काफी फ्रॉथी एंड क्रीमी हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी मैदा ऑल पर्पस फ्लावर 1/2 कप। इस बात का यहाँ ध्यान रखें कि मैदा हमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है एंड हमेशा छान के ही यूज करना है। साथ ही मैं यहाँ ले रही हूँ कोको पाउडर 1 टेबलस्पून। दोनों को हम छान लेंगे एंड मिक्स करेंगे। इसी के साथ हम अवन को प्रीहीट करेंगे 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए। बचा हुआ मैदा भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एंड छान के अच्छे से मिक्स कर लूंगी। देखिए, हमारा केक का बैटर बिल्कुल रेडी है। इसकी कंसिस्टेंसी आपको कुछ इस तरह रखनी है। अगर आपको जरूरत लगती है तो आप 1 टेबलस्पून मिल्क और ऐड कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ कोकोनट फिलिंग को फ्रिज में से निकाल लिया है एंड मैं इसे एक सिलेंड्रिकल शेप दे रही हूँ मोल्ड की साइज का। इसका साइज एंड शेप आप अपने बेकिंग टिन के हिसाब से करें। मैं यहाँ छोटे लोफ मोल्ड यूज कर रही हूँ। फिलिंग को हमें केक के सेंटर में रखनी है, इसलिए टिन या मोल्ड का साइज ध्यान में रखें। अब मैंने यहाँ एक सिलिकॉन मोल्ड लिया है जिसे मैंने ग्रीस कर लिया है। अब मैं इसमें केक बैटर डालूंगी। केक बैटर को मोल्ड में ट्रांसफर करने से पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ विनेगर 1/2 टीस्पून एंड इसे जेंटली मिक्स करेंगे एंड देन मोल्ड में ट्रांसफर करेंगे। यहाँ एक बात का ध्यान रखें कि जिस भी टिन या मोल्ड में आप केक बना रहे हैं उसे हम आधे से कम फिल करेंगे बैटर से। देन यहाँ हमने जो कोकोनट फिलिंग का लॉक बनाया था उसे मैं इसमें प्लेस कर रही हूँ सेंटर में इस तरीके से। अब हम इसे ऊपर से केक बैटर डाल के कवर कर देंगे। अब हम इसे अच्छे से टैप करेंगे ताकि सारे एयर बबल्स निकल जाए। देन हम इसे बेक होने के लिए अवन में रखेंगे 180 डिग्री पे 15 से 20 मिनट के लिए। केक हमारा बेक हो चुका है, हमें इसे ठंडा होने के बाद ही डीमोल्ड करना है।
यहाँ मैंने मिल्क चॉकलेट ली है, आप कोई से भी ब्रांड का मिल्क चॉकलेट ले सकते हैं। उसे मैं माइक्रोवेव करूँगी एंड देन केक पे कोट करूँगी। ये टोटली ऑप्शनल है, आप केक को प्लेन भी सर्व कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में सर्विंग दोनों तरीके से की है। मैंने यहाँ केक को डीमोल्ड करके चॉकलेट कोट किया है, देन उसे सेट होने के लिए फ्रिज में रखा था 1 घंटा। अब मैं आपको उसके स्लाइस कट करके दिखाती हूँ। लीजिए, तैयार है हमारा बाउंटी चॉकलेट केक। है ना एक यूनिक डेजर्ट की रेसिपी। तो आज ही इस रेसिपी को ट्राई कीजिए एंड हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। इसी तरह की इनोवेटिव एंड यूनिक रेसिपीज के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड बेल आइकन को क्लिक करना पड़ेगा ताकि आने वाली सारी रेसिपीज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।